दोस्तों आपको करने टेंशन फ्री पेश है सॉल्यूशन ऑफ मॉडल क्वेश्चंस सेट 1, 2 और 3। यह दोस्तों आज के वीडियो में हम सॉल्यूशन देखेंगे सेट 1, 2, 3। वो भी केवल चैप्टर वाइज में सॉल्यूशन दे रहा हूँ, एक एक चैप्टर का अलग अलग जितने क्वेश्चंस आए हैं आपके मॉडल के वो सॉल्व करवाया जा रहा है आपको, और साथ ही एक बात जान ले हम थोड़ा बहुत इसका समरी भी शॉर्ट में हम कि इसका स्टोरी का नाम है पूरा लॉस्ट स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, चुराए गए बचपन की कहानियां। बचपन चुरा लिया गया है, जब बच्चे को खेल कूद का समय होता है उस वक्त इन्हें जिम्मेदारियां हो जाती है कमाने धमाने की। दो स्टोरीज में दिखाया गया, एक साहेब नाम का लड़का है जो कूड़े कचरे उठाता है, कूड़ा कचरा ही इसके लिए सोना है। सीमापुरी में इसकी पूरी फैमिली वगैरह रहते हैं, इनके करीब सीमापुरी में 10,000 कूड़े कचरे वाले रहते हैं, 10,000, और 50% सब काम देगा आपका। और इसमें मुकेश सीधे कचरे का काम छोड़कर चाय के खोखे में टी स्टॉल में काम पकड़ लेता, 800 रुपया पर मंथ इसको मिलता है। स्कूल वगैरह की व्यवस्था है नहीं, इसका पूरा फैमिली बांग्लादेश से ढाका से आया हुआ है 1971 में इंडिया, ठीक है, क्योंकि वहां खाने पीने का नहीं था कुछ तो रोजी रोटी के लिए यहाँ हमको आना पड़ा था। दूसरा स्टोरी इसमें साहेब का मिलेगा जो फिरोजाबाद की कहानी है, चूड़ी का उद्योग ग्लास बेंगल इंडस्ट्री है, सेंटर ऑफ ग्लास बेंगल इंडस्ट्री है फिरोजाबाद, वहां साहेब है, सभी कोई चूड़ी उद्योग में लगे हैं, कारखाने में काम करते थे, लोगों की आंखों की रोशनियां चली जाती है। उसी में से एक लड़का है मुकेश जिसका सपना है मोटर मैकेनिक बनना, और कहता है गैराज में जाकर के हम इसको सीखेंगे, ठीक है। और इसका घर जो मुकेश का है वो हाफ बिल्ड शेक या हाफ बिल्ड हट है, मतलब आधा निर्मित कुटिया है, घर बना हुआ पूरा नहीं है, इतनी सी बात है। ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं इसका बारी बारी से। मुकेश वांट्स टू बिकम मोटर मैकेनिक, मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, कैसे, बाय फाइंडिंग अ ट्यूटर, एक ट्यूटर के ढूंढ करके, बाय गोइंग टू ए गैरेज, अभी कहां गैरेज जाएगा वो, सीधा सा आंसर ये होगा। फिर भी ऑप्शन देख लिया कि जी, बाय रीडिंग बुक नहीं, बाय ज्वाइनिंग स्कूल नहीं, सीधी बात। वेयर हैज साहब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम, साहब उसका परिवार कहां से आया है, अभी तो बोले बांग्लादेश ढाका, तो बस ढाका आंसर हो गया, कब आया, 1971 में। What are साहब एंड हिज फ्रेंड्स कंपेयर टू, साहब और इसके दोस्त का तुलना किससे किया गया, सुबह सुबह बताया गया स्टोरी में, क्योंकि मॉर्निंग बर्ड की तरह लोग निकलते हैं और दोपहर को वापस चले आते हैं अपने घोंसले में, तो बर्ड से तुलना किया गया था, इसलिए आंसर होगा बर्ड, नॉट एनिमल्स, नॉट ट्रीज, नॉट फ्लावर्स। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बेंगल, अभी बोले ग्लास बेंगल फिरोजाबाद, तो पटना, जयपुर, फिरोजाबाद, पटना, रांची, फिरोजाबाद, ओके। नेक्स्ट, व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम, मुकेश क्या बनना चाहता है, सारी बात तो बताया मैंने, डॉक्टर, एक्टर, टीचर, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। व्हाई डिड साहब एंड हिज फैमिली कम टू इंडिया, साहब उसका परिवार इंडिया क्यों आया था, रोजी रोटी नहीं था, ये ऑप्शन दिया, दे लाइक इंडिया, वो इंडिया को पसंद करते इसलिए आया था, दे वर एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर, वो लोग को वहां से निष्कासित कर दिया गया था, बिकॉज ऑफ कम्युनल वायलेंस, सामुदायिक हिंसा हुआ था वहां, कम्युनल वायलेंस दे वहां सामुदायिक हिंसा हुआ था, इसलिए भागे थे लोग, कौन से यहाँ इंडिया आए, बिकॉज स्टॉर्म्स डिस्ट्रॉयड देयर होम्स एंड फील्ड्स, ये होगा कि एक आंधी आई थी जिसने उनके घर और खेतों को खत्म कर दिया था, खाने का कुछ रह नहीं गया था, इसलिए लोग इंडिया आए थे, राइट ऑप्शन डी को लॉक कर दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज साहेब लिव, साहेब कहाँ रहता है, अभी बताया गया था सीमापुरी, बाकी तो कंफ्यूज करने के लिए आपको मणिपुर, पटना और क्या क्या ऑप्शन रहेगा, लेकिन आपका आंसर होगा यहाँ सीमापुरी, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन छूट गया मेरा, मॉडल क्वेश्चन में देख लीजिए। 9 नंबर है, विच इज द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री या ग्लास इंडस्ट्री, ग्लास बेंगल्स का कारखाना, जो जिस तरह से क्वेश्चन अरेंज करें आंसर आपको फिरोजाबाद ही होगा। एक क्वेश्चन और रह गया है सेट 3 का, इन व्हाट काइंड ऑफ हाउस डज मुकेश लिव, किस प्रकार के घर में मुकेश रहता, अभी बोले थे आधा बना हुआ कुटिया है, तो क्या होगा, अ बिग हाउस, अ स्मॉल हाउस, अ हाफ बिल्ड हट, अ हट, हाफ बिल्ड हट, हो गया, ये पूरा सेट 1, 2, 3 क्लियर है आपका, 5 और 4 और 5 का भी आंसर मिल जाएगा दोस्तों, इसका फायदा लीजिए, इसको 3 बार 4 बार जितना बार हो देखिए और इसका फायदा लीजिए, एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। डिटेल अगर आपको देखना है तो वो वीडियोस भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका फायदा ले पाएंगे, ठीक है, पूरा चैप्टर डिटेल, पूरा डिटेल सॉल्यूशन, ओके दोस्तों, बाय बाय।